Somebody needs to hear on giving. किसी को सुना है आज देने के बारे में Amen? Because your life is changing today. क्योंकि आज आपका जीवन बदल रहा है your struggles end today. आज आपकी चुनौतियां आज खत्म हो रही you है मूविंग फ्रॉम जस्ट हैविंग having enough into ओवरफ्लो आप काफी से बहुतायत की ओर बढ़ रहे हो मैन Give. इसलिए दे

Is just 10%. Because the Lord said I will become your inheritance। क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा कि वो हमारा विरासत बनेगा you know, when the Lord becomes your inheritance, you have nothing to be worried about। जब प्रभु आपका विरासत बन जाता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है Don't raise funds, raise people। आप पैसा ना जुटाए लोगों को जुटाए ah. <laughs> डोंट रेज फंड रेज पीपल पीपल आप पैसा इकट्ठा ना करें पर लोगों को जुटाए मै दिस गाय इज माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हमें दिस इज ही इज माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट आई यू नीड टू ट्रांसलेट ये व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है हाउ मच

But what I'm saying is, I started young with him. मैंने इनके जवानी में और मेरी जवानी में इनके साथ शुरू शुरू किया. Now he is, I'm reaping fruits from his life. अब मैं इनके जीवन से कटनी को ले काट yeah. रहा हूँ. How many Amen. years? कितने साल फोर्टीन ईयर चौदह साल फोर्टीन ईयर चौदह साल या फोर्टीन इयर्स यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ हाउ मेनी रेस्टोरेंट बिल्स यू वुड हैव पेड फॉर आप सोचिए चौदह साल कितना ज्यादा निवेश और कितने रेस्टोरेंट के बिल बट आई एम से इट्स मोर देन हंड्रेड फुल परंतु सौ से सौ गुना से भी बढ़ कर, सौ गुना से भी बढ़ रेस्ड पीपल अगर हम आज यहाँ नहीं होते अगर हमने लोगों को नहीं जुटाया होता सो मेनी स्टोरीज टू टेल मेरे पास एक, काफी गवाही है बताने at के लिए इन देम देड नथिंग टू गिव बैक

और तब मैं विश्वास तब मेरे को प्रभु ने ये दिखाया जो वो लोग अपने लिए देख नहीं पा रहे थे और मैंने उन पर निवेश किया और आज मैं कटनी को काट रहा हूँ बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द किंगडम आपका सबसे अच्छा जो निवेश है वो परमेश्वर का राज्य है इन्वेस्ट इन पीपल फॉर द किंगडम लोगों पर परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश थिंग और ये बात है किंगडम you know, in जब आप लोगों पर परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश कर रहे हो डोंट कीप एन अकाउंट बुक उस एक एक किताब ना रखे इफ यू वॉन्ट टू रिमेन डोंट एन अकाउंट बुक बना आप आपका दिमाग ठीक से काम करना है तो आप एक अकाउंट बुक ना रखें मनी विल फ्लो लाइक वॉटर क्योंकि पैसा पानी की तरह बहेगा दे विल ऑलवेज नीड मनी और उनको हमेशा पैसे की जरूरत होगी बचिए परंतु बात ऐसे है व्हेन यू स्टार्ट रीपिंग द हार्वेस्ट ऑफ द पीपल दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन

उट एनी रिटर्न बीस साल के लिए आप उनके जीवन में केवल देते रहते हो और उनसे आपको कुछ नहीं मिल रहा होता है यू नॉट गेटिंग एनीथिंग on ऑन टॉप ऑफ they're complaining and फील feel entitled. और उसके उससे बढ़कर वो शिकायत करते हैं और उनको लगता है कि ये उनका हक है बट देर इज अ पॉइंट वेन यू स्टार्ट

जब आप दे रहे हो आप देते रहो देते रहो देते रहो और उसके बाद आप उसकी कटनी को देखोगे मैन डोन्ट रेज फंड रेज पीपल पैसे को ना जुटाए पर लोगों को जुटाए इन्वेस्ट इन पीपल्स लाइफ फॉर द किंगडम लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश करें इन्वेस्ट इन पीपल्स लाइफ फॉर द किंगडम लोगों के लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए निवेश करें पेरेंट्स माता पिता इफ यू हैव चिल्ड्रन अगर आपके बच्चे हैं इन्वेस्ट योर Everything in the children so that they can be led in godly direction. आप अपने बच्चों पर अपना सब कुछ निवेश कर दे ताकि वो परमेश्वर के परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के मार्ग में जीने पाए Your first ministry is towards your children. आपकी जो पहली सेव है वो आपके बच्चों के प्रति preaching the gospel in cannot place.

जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ी या मेरे जीवन में कभी कोई खटी आई आई जस्ट गो gospel. और मैं प्रचार करते हुए आगे बढ़ता हूं मैं अपने जीवन का राज आपको बता रहा हूँ nothing in my account and I need some money. अगर मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है और मुझे कुछ पैसे चाहिए है तो अपॉर्चुनिटी टू फोर आउट मैं मौकों की तलाश करता हूँ मैं अच्छे से दे पाऊ अगर मैं उनको पैसे नहीं दे सकता हूँ तो मैं उनको वचन दूंगा उनको उनको प्रोत्साहित मैं उनको बलवंत बन करूंगा निराश को आशा दूंगा जिनको प्रार्थना नहीं चाहिए मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा

Like God will always tell you of a bigger dream. जब मैं पुराने जगह पे था और मैं उस एक महीने के रेंट के लिए प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा दर्शन दिया और प्रभु हमेशा ऐसा है कि वो हमें बड़ा दर्शन देता है। You know, once we got an electricity bill of one lakh rupees and my my mind just couldn't fathom this. एक बार हमें एक लाख का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला और मैं अपने मन से अपने मेरी कल्पना शक्ति के भी परे था ये। My heart was panting and I was like

God does not want me to think of the lack. God wants me to think of the bigger dream, जब, the bigger purpose, the bigger vision. जब भी मैं एक घटी में होता हूँ तो परमेश्वर मुझे ये नहीं बोलता कि तू कठिनाई कथ, या मुसीबत के बारे में सोच परंतु प्रभु एक बड़ा दर्शन और एक बड़े सपने की ओर मुझे ले जाता है। So now I've learned it. अब मैंने वो सीख लिया है। So whenever I'm in lack, तब अब जब भी मेरे, मेरे पास कोई घटी होती है मैं प्रभु से उस घटी के बारे में नहीं बोलता forward. मैं बस आगे बढ़ता हूँ मैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जब मेरे जीवन में कोई घटी होती है वो ऐसा समय होता है जहाँ पे मैं और सपने देखता हूँ जब मैं दोबारा सपने देखता हूँ you know, क्योंकि uh, संसाधन उनके पास आता है जिनके पास दर्शन है डोंट फोकस ऑन द लैक फोकस ऑन इसलिए घटी के बारे में ना सोचे परंतु दर्शन के बारे में सोचे ऑन द विशन के बारे में आपका आपका ध्यान। ध्यान दर्शन पे केंद्रित हो। मैं जो कह रहा हूँ ये पूरी तरीके से जो सेव करते हैं उनके लिए नहीं है परंतु सबके लिए है इट विल वर्क फॉर यू ये आपके लिए भी काम फंड्स डोंट लुक एट द बैंक बैलेंस एंड गेट डिस्करेज plan more on how you can be more effective in the kingdom जब आपके पास कोई कठिनाई और कमी हो तब आप ये ना सोचे कि उसको कैसे भरा जाए परंतु राज्य के बारे में और सपने देखना शुरू करें सो आई प्लान मिशन ट्रिप्स तब मैं मिशन ट्रिप्स प्लान करता हूँ। when we have nothing that's when we plan mission trips जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हम मिशन ट्रिप पे जाते हैं we are going to Chhattisgarh.

जोर से दौड़ने लग जाता Because, है बिकॉज़ सी द थिंग इज इफ यू फोकस ऑन लैक लैक विल मैग्नीफाई अगर आपका ध्यान घटी पे हो तो वो घटी बढ़ने लग जाती But है फोकस ऑन द विजन योर प्रूविजन विल मैग्नीफाई परंतु अगर आप दर्शन की ओर आप केंद्रित रहे तो आपके पास वो संसाधन आ जाता What है व्हाट यू सेलिब्रेट विल मैग्नीफाई इन योर लाइफ जिस चीज को आप मनाते हो वो आपके जीवन में बढ़ने लगता है आमीन See, today यू were celebrating योर पास्टर्स बर्थडे जैसे आज आप अपने पासमान का जो जन्मदिन है वो मना रहे थे Because what you celebrate will amplify in your life. क्योंकि जो आप मना रहे हो वो आपके जीवन में बढ़ने लगेगा डोंट so celebrate sickness. इसलिए बीमारी को मनाए ना डोंट टॉक टू मच अबाउट इट इसके बारे में ज्यादा बात ना मैं ये नहीं कह रहा कि ये होता नहीं है ये होता है yes, सही में गुलायत है yes, the giants जो दानव है वो भी है yes, your problems exist. आपकी जो कली आपकी जो समस्या है वो है नॉट इग्नोरिंग इट बट वी आर लुकिंग बियॉन्ड द रिवॉर्ड

I'm just going, okay, just follow me, yeah. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस सबसे कहा जा रहा हूँ आप बस मेरा पीछा करें। Don't try to make points out ट्राई टू मेक ऑफ बिंदु ना सुनिए। so, in विद एवरी स्पिरिचुअल हम uh, हम मसी में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की हमें आत्मिक आशीष दी है How many of you are आप में से कितने लोग आशीषित हैं? लो हैं। you are blessed.

और सब मरे इन एडम आदम में सब मरे क्राइस्ट ताकि सब यीशु मसीह में पुनर्त्थान की आत्मा प्राप्त करें। इसलिए आप यीशु शामिल हो। न बिकॉज ऑफ दैट यू आर ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इसकी वजह से आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी गई है वेयर इज योर स्पिरिचुअल बैंक परंतु आपका ये आत्मिक बैंक कहाँ है इन स्वर्ग में है बट डू यू नीड द ब्लेसिंग? परंतु आपको आशीष चाहिए पर? बिलीवर्स आर नॉट लिविंग नो हाउ टू मेक अ डिमांड ऑन दफी विश्वासी उस आत्मिक खाते में इतना सब कुछ होने के बावजूद वो यहां गरीब रहते हैं क्योंकि वो जानते नहीं है कि उस आत्मिक खाते से वो कैसे निकाले डू यू मेक अ डिमांड ऑन योर अकाउंट आप इसको कैसे आप इसे मांग सके कि आपके दुनिया में जो जरूरतें है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सके इट इज डन विश्वास के द्वारा होता है से हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, से ही बचाए गए हैं। हेवनली अकाउंट जो भी प्रभु के पास आपके लिए है वो आपके स्वर्ग के खाते में है your healing is in the heavenly account. आपका जो चंगाई है वो स्वर्ग के खाते में है हेवनली अकाउंट आपका जो नया किडनी है वो स्वर्गीय खाते में है कि कई लोगों को कॉमन सेंस चाहिए वो भी आपके स्वर्ग के खाते में है जो भी आपको भक्ति के जीवन लिए चाहिए वो सब कुछ स्वर्गीय खाते में है। परंतु आप उससे अपने स्वर्गीय खाते से अपने इस दुनिया की जिंदगी में कैसे खींचकर निकालोगे वो है विश्वास इज बाय फेथ ये विश्वास के द्वारा होता है विश्वास के द्वारा ओके ना इज द थिंग वन वे योर फेथ वर्क्स इज व्हेन यू हैव अ विजन और बात ऐसे है कि एक तरीका जिससे आपका विश्वास काम करता है वो है जब आपके पास एक दर्शन होता now, है यू नो फेथ कम्स बाय हियरिंग ऑट वर्ड एंड फेथ इज वर्किंग थ्रू द रिलीज ऑफ

क्योंकि आपने निवेदन दिया इसलिए वो आपको वो पैसे नहीं देंगे गेट एस पेपर्स

राज्य के लिए एक दर्शन और एक उद्देश्य होना चाहिए you need to have a heavenly vision. आपके पास एक राज्य के लिए दर्शन होना you know, चाहिए इट इज लाइक पॉइंटलेस टू बिलीव फॉर रोल्स रॉयस इफ यू डोंट अ किंगडम विजन बिहाइंड इट आपके पास एक रोल्स रॉयस की इच्छा रखना अगर आपके पास एक राज्य की दर्शन नहीं है तो ये बेकार है किंगडम विजन परंतु वो लोग जो राज्य के लिए दर्शन देखते हैं उनके पीछे सब कुछ हो लेता है क्या आप मेरे साथ इसलिए आपको एक राज्य का दर्शन आपके जीवन में होना है किंगडम विजन बैगिंग फ्रॉम वन मंथ टू अनदर राज्य के दर्शन के बिना आप एक महीने से दूसरे महीने में भीख मांगते रहोगे

विजन क्योंकि संसाधन उन लोगों के पास आता है जिनके पास दर्शन हो आयुवेट मैं आपको तीन बातें बताना चाहता हूं यू नो दैट द विजन द ड्रीम दैट यू हैव इज फ्रॉम गॉड और नॉट आपको कैसे पता चलेगा जो सपना आपके पास है वो प्रभु से है कि नहीं plans to not to harm you, प्लान फॉर प्रॉस्पर एंड फॉर योर फ्यूचर

परंतु तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु के योजना के पीछे जाओगे तो आप पहले से ही आशीष प्लान यूल बी सर्चिंग फॉर गॉड्स ब्लेसिंग ओवर अगर आपके पास एक योजना है तो आप परमेश्वर की आशीष को उस योजना के ऊपर देखना चाहोगे But if you

सेल्फ इन योर ओन स्ट्रेंथ क्योंकि जो भी दर्शन प्रभु से है वो आप अपने सामर्थ्य में नहीं कर सकते या? द सेकेंड पॉइंट और दूसरी बात When you talk about the vision. जब आप इस दर्शन के बारे में बात कर रहे हो नोबडी सीम्स टू बी एंथिक कोई भी आपके साथ एंथ

और ये ठीक है सी वेन वेन वी वर इन नगर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड द लॉर्ड आस्ट जस्ट टू मूव टू दिस लोकेशन टू दिस प्लेस जब हम नगर में थे 21 में तब और प्रभु ने हमें यहाँ को आने को कहा और मैंने अपने कलीसिया में ये दर्शन को बांटा। We हम दस लोग थे। I was so excited. मैं काफी उत्साहित था। Because God spoke to me from Genesis chapter 12 क्योंकि उत्पत्ति 12 एक से तीन से प्रभु ने मुझे मुझसे बात करी थी कि जो जगह मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वहाँ पे जाओ शेयर और मैंने इस दर्शन को सबके साथ बांटा आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग और मैं एक प्रतिक्रिया का अपेक्षा कर रहा हूं नो बडी वॉज एक्साइटेड कोई उत्साहित नहीं था दे ऑल टोल्ड मी वाई वी शुड नॉट लीव उन सब ने मुझे बताया कि क्यों हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं उन्हें बता रहा हूँ प्रभु ने बोला है हमें यहाँ से बाहर जाओ और वो हमें वो हमें सब मुझे बता रहे हैं कि हम यहाँ क्यों बने रहे वी डों पास हमें अभी रेंट नहीं देना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना everything है is sorted, is taken care of right now. सब कुछ बना बनाया है अभी सो मनी सेट बैक्स और का, काफी मुश्किलें आ सकती we'll, है we'll हमारे पास और और बिल होंगे देने के Here's लिए इफ यू डोंट लाइक चैलेंजेस इफ यू डोंट बैक्स इफ यू डोंट लाइक रेजिस्टेंट सर्व द लॉर्ड अगर आपको चुनौतियां नहीं पसंद है तो आप परमेश्वर की सेवकाई मत करें या yeah. If you want to live a secured life, अगर आपको एक सुरक्षित जीवन बिताना है comfortable life, एक आरामदायक जीवन बिताना be है, be comfortable in your misery and poverty. आप अपने गरीबी में आरामदायक रहे

क्या आप जानते हो सांस लेना खुद में एक चुनौती है योर बॉडी इज योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एनर्जी सो दैट यू कैन ब्रीथ आपकी आपका शरीर ऊर्जा को बना रहा है ताकि आप सांस ले पाओ हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लेन मैन लॉर्ड टिल हाउ लॉन्ग यू आई नीड टू ब्रीद आप में से कितने लोग शिकायत करते हो कि प्रभु अब मैं कब तक सांस लूंगा फोर दो आर वेटिंग फॉर योर चैलेंजेस टू गेट ओवर आफ्टर थ्री आवर्स ऑफ प्रेयर आई एम टेलिंग यू गेट आउट ऑफ योर लाला लैंड स्टॉप प्रेंग आप में चैलेंजेस विल कीप ग्रोइंग आप में से कितने जो लोग तीन घंटे के लिए प्रार्थना करके विश्वास करते हैं कि मेरी चुनौतियां खत्म हो जाएगी आपका आपकी चुनौतियां खत्म नहीं होगी चैलेंजेस विल कीप ग्रोइंग आप और आपकी चुनौतियां बढ़ती रहेगी इज द थिंग दैट विल हैपन परंतु ऐसा कुछ होगा योर प्रीवियस चैलेंज विल लुक लाइक नथिंग जो आपकी पुरानी चुनौती थी वो कुछ भी नहीं ऐसा लगेगा यू नो व्हेन वी मूव्ड इनटू आवर फर्स्ट प्लेस द बजट दैट वी हैड Now for us is like nothing. It was like, what were we even thinking? Why were we even worried about it? हम हमारा जो पहले जगह था वहाँ पे वहाँ पे जो पैसे हमने लगाए अब हम उस पैसे की और मुड़के देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं लगता है परंतु उस समय वो एक भारी रकम थी योर चैलेंजेस विल बिकम यू मूव ग्लोरी इन परंतु आपकी जो आपका जो चुनौती है वो आपके लिए सीडिया बन जाएगी कि आप अगले पड़ाव की ओर बढ़े फॉल्स डोर बट देर मेनी एडवे उसके है कि एक, एक है उसके एरत एरत काफी एडवर्सरीज काफी है काफी दुश्मन होंगे आपके हर एक खुले दरवाजे के सामने काफी दुश्मन होंगे अगर आपको दरवाजे के थ्रू जाना है तो आपके पास वो मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे दुश्मनों को हराना है Amen.

आपका दर्शन प्रभु से है तो आपको चुनौतियां चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा दानवों का सामना करना पड़ेगा